नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के सरकारी अस्पताल का मामला है। CSC पर तैनात डॉक्टर एम्बुलेंस कर्मी को भिगाकर जूता मारने की बात कर रहा है एम्बुलेंस कर्मी की। इसमें क्या गलती थी, वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं वीडियो को दिखा रहा हूँ, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जब एम्बुलेंस में अच्छे डिग्री डिप्लोमा होल्डर की नियुक्ति होगी तो डॉक्टर कभी ऐसा नहीं बोलेगा। मैं आप लोग को जो दिखा रहा हूँ रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ दिखा रहा हूँ दोस्तों। एम्बुलेंस में जितने एम्बुलेंस कर्मी हैं लगभग 90% ऐसे हैं कि जिन्होंने BA MA किया हुआ है। बताइए, किसी के पास जो है ऐसा नहीं है कि जो मेडिकल की डिग्री लिए हो। केवल 10% ऐसे हैं जो कि डिप्लोमा या कुछ मेडिकल की डिग्री लेकर इसमें हैं। सरकार जो है मरीजों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है, उसके साथ साथ में डॉक्टर जो है कैसे अभद्र भाषा में जो है बात कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखिएगा। और यह वीडियो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी तक जरूर पहुंचना चाहिए और यह संज्ञान में जरूर ले। देखिए कैसे स्वास्थ्य विभाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज के बाद यहाँ अगर हुकर बजा निकाल के जूते इतना जूता मारूंगा ना कि समझ जाए। अच्छा ये बताइए सर, मरीज अगर हुकर मैं बता दे रहा हूँ, बहुत कान खोल के सुन लो, अगर एंट्री हुई गाड़ी और यहाँ खड़ी गाड़ी हुकर बजा तो निकाल के जूते इतना जूता मारूंगा ना कि शकल नहीं पहचान में आएगी तुम्हारी। जब मरीज सीरियस होगा हुटर नहीं भेजाएंगे सर? मरीज तुम बजाओगे, मरीज सीरियस है उसको मैं देखूंगा, तुम देखोगे उसे। तुम्हारा काम क्या है? मरीज ले आना, हमारा काम है ना। हाँ। उसके बाद छोड़ना, उसके बाद मेरा काम है ना। आपका काम तो तू बताएगा मुझे इलाज करना। कहाँ बता रहे हैं आपको, बता कहाँ है सर आप? कैसा चिल्ला रहे थे इसके ऊपर, अभी गिरा के तुझे इतना जूता मारूंगा ना। देख लीजिए, एकदम देख लीजिए कैसे बात कर रहे हैं सर आप। बस बता रहा हूँ, अगर आज के बाद अगर एम्बुलेंस घुसी और यहाँ हुटर बजा तो गिरा कितना जूता मारूंगा, शकल नहीं पहचान में आएगी। मार लीजिए अभी, मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, मार लीजिए अभी। सीवर साले, अभी मार लीजिए आप। ले उसको, ID इसकी रिसीव कर। ले 24 घंटे रहता हूँ यहाँ, ले इसकी रिसीव कर, बताओ सर। हेलो, नहीं MT बात कर रहे हैं जी, बात करिए आप पहले। हेलो, आप लोगों ने देखा दोस्तों इस वीडियो में डॉक्टर साहब कैसे जो है अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो है जो उसमें एम्प्लॉयर है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, उसको सुअर तक बोल दिए। बस इतनी सी बात थी कि एक इमरजेंसी केस आ गया था, सीरियस केस आ गया था, बस उसी में एम्बुलेंस कर्मी ने हूटर बजा दिया था और हूटर बजाने के नाते डॉक्टर साहब ने इतना सब कुछ बोला। जब आपकी ड्यूटी है, हूटर क्यों बजाया जाता है? जब इमरजेंसी केस रहता है तभी हूटर बजता है और नहीं तो नहीं बजता है। इसके लिए तो गवर्नमेंट भी जो है रोक नहीं लगाई है। तो डॉक्टर साहब आप कौन होते हैं कि जो हूटर जो है रोक लगा रहे हैं हूटर बजाने से, जो कि जबकि मरीज भी है और मरीज को रिफ़र कर दिया जा रहा है, जबकि वहां पर जो है इस पे सेवा प्रदाता जो कंपनी है वहां से फ़ोन आया है जहां पर मरीज को शिफ्ट करना है। तो दोस्तों ये सब मामला ऐसे ही है, लेकिन यह मामला मुख्यमंत्री जी तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। अगर पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड एम्बुलेंस में अगर एम्प्लॉयर होते तो डॉक्टर कभी ऐसे नहीं बोल सकते। इनको क्या पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों मैं यह चीज़ जो है मुख्यमंत्री को संज्ञान में जरूर लेना चाहिए और अच्छे वेल एजुकेटेड बंदों को उसमें नियुक्ति करें। दोस्तों वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा कि यह न्यूज काफ़ी जो है ज़्यादा फैल जाए और सभी लोगों को यह पता हो कि एम्बुलेंस कर्मियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।